Ram, Sai 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 Ram. तो ये है साईनाथ महाराज। कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा शिरडी में आया था और फिर चला गया था। उसके बाद फिर आया अपनी तरुण अवस्था में, फिर अंत तक वही रहा और नाम बना दिया शिरडी का, जिसे पहले शिलाघी कहा जाता था, बाद में वो शिरडी बन गई। तो इस पवित्र सच्चरित्र को शुरू करने से पहले हेमंत पंत जी ने लिखा है सच्चरित्र, लेकिन वो अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए जब बाबा के पास गए तो बाबा खुद ही उस हेमंत पंत जी से बोल बैठे कि मेरा सच्चरित्र अगर लिखना चाहते हो तो अवश्य लिखिएगा। तो उनके मन के भाव बाबा ने समझ लिए। इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो भक्त जैसा चाहता है वैसा काम उसका होता है और बाबा उसी तरह उसका कार्य और उसकी इच्छाओं को सामने व्यक्त करते हैं। तो चलिए बाबा के इस पवित्र सच्चरित्र को शुरू करने से पहले हम बाबा को बुलाते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं। आप लोग लगाओगे मेरे साथ ध्यान? कहिए साईनाथ महाराज की। तेरे गुलशन की हर शाख हरी देखी है, तेरे गुलशन की हर शाख हरी देखी है, तेरी हर सौगात खरी देखी है, तुझे देते हुए तो नहीं देखा बाबा, पर भक्तों की झोलियां भरी देखी है। तो चलिए हम सब मिलकर पहले बाबा का थोड़ा सा गुणगान करें। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, ध्यान लगाना क्यों चाहिए? कहते हैं तन मन धन से जो ध्यान लगाता है वो इसी तरह खड़ा होता है, उसकी पीड़ाओं का भी उसे कभी एहसास नहीं होता, वो शरीर को एक रबड़ की भांति समझता है और आत्मा अमर है कहता है। कहिए जय साई राम। थोड़ा ध्यान लगा साई दौड़े दौड़े आएंगे, 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 जगले थोड़ा ध्यान लगा साई दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा अखियां मन की खाल, अखियां मन की खाल तुझको दर्शन वो कराएंगे, साई थोड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा साई दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। देखिए कौन कौन ध्यान लगा सकते हैं बाबा।
मन की आंखों से देखो बाबा आपके पास है, दोनों हाथ उठाइए, जोर से ताली बजाइए मेरे बाबा।